फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गाना दोस्त। आज आपसे ये स्वीट अलाइसम के जो है वो सीड्स कलेक्ट करना बताऊंगी आपको। तो देखिए, ये अब ऐसे सूखने लग गए हैं, और ये देखिए, ये जो इसके बिल्कुल सूख गए हैं, ये देखिए, ये सीड्स बन गए हैं। इनको अब हम यहाँ से ऐसे काट लेते हैं। दिख रहे हैं आपको ये? इसको मैं यहाँ रखती हूँ और ये ऊपर से काट देते हैं। जो अभी फूल फ्रेश है उनको हम हटा देते हैं। और ऐसे ही देखिए, मैंने इसको काट लेती हूँ और ऊपर से ये फ्लावर हटा देती हूँ, और इसको भी रख लेते हैं। और जिनमें ये नीचे से देखिए ऐसे सूखना शुरू हो गए ना, ये देखिए धनिया जैसे लगने लग गए हैं। और इनको ले लेते हैं, ऊपर के हिस्से हटा देते हैं इनके। और ये और भी सारे ले लेते हैं। चलिए, तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाद में देखेंगे। ये देखिए, अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि इनको ऐसे ही सुखा लें, मतलब ऐसे ही एक दिन इनको सुखा लें, और उसके बाद हम इसको किसी भी एयर टाइट पाउच में थोड़ी सी राख मिला के, या फिर कोई भी थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर, जो भी देखिए, जो गार्डनर्स हैं उनके पास फंजीसाइड तो होगा ही। अगर नहीं है, नए गार्डनर हैं, कोई बात नहीं, राख मिलाइए, या फिर आपके पास की कोई भी ऐसी दुकान हो जहाँ से बीज वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे आप उनको कहिए हमें फंजीसाइड पाउडर चाहिए, और बस वो आपको दे देगा दुकानदार, जो भी उसके पास होगा। नाम बताना मैं इसलिए नहीं चाह रही हूँ कि जो भी उसके पास होगा ले आएंगे, नहीं तो फिर आप बोलेंगे इस नाम का चाहिए ये है, और उस दुकानदार के पास नहीं हुआ। तो आप कोई भी ले आइए, जो भी मिलता है, सब एक से होते हैं। तो ये देखिए, वो मिला के थोड़ा सा चुटकी भर इनमें मिलाओ, सीड्स में रख दो। देखिए, या तो आप इसको ऐसे ही रख दीजिए, ऐसे ही रख दें तो भी चलेगा, अगले सीजन तक पर थोड़ा सुखा लें, क्योंकि ये हरी डंडियाँ हैं ना अभी। और या फिर देखिए ऐसे, ये आपको दिख रहे हैं पीले पीले राई जैसे, जैसे राई की दाल आती है ना, स्प्लिट वाली राई जो आती है। देखिए, इनमें से अब ये हमने सीड को झाड़ लिया। ये देखिए, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके ये जो हरे हरे स्टेम है ना, इनमें फंगस लगने का डर है। या तो इनको ऐसे ही आप सुखा लें, एक आधा दिन सुखा लें, ये हरी हरी डंडियाँ भी जब ब्राउन हो जाएं तो आप डंडी समेत रख सकते हैं। और अगर नहीं तो आप ऐसे इसको, ये देखिए हमने ये हटा लिए। अब इसमें क्या है, ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं ना, ये वाले ये सीड्स हैं, ये वाले। लेकिन हम इस सारे को ही सुखा लेंगे, अब अलग थोड़ा ना कर सकते हैं हम। ये देखिए, बाकी थोड़ी थोड़ी पेटल्स हैं, कवरिंग्स हैं उनकी। तो ये जो है, ये हम थोड़ा सा यूँ हिला के अलग हो जाए तो देख लेंगे थोड़ा बहुत, अगर होए तो, नहीं तो इनको हम ऐसे ही इसके समेत ही रख लेंगे, क्योंकि जब हम इनको सुखाएंगे ना, तो ये जो है, ये वाले, ये अपने आप उड़ जाएंगे। ये छिलके हैं एक्चुअली, ये देखिए, ये छिलके हैं, ये देखिए, फूंक मारी मैंने तो ये छिलके अपने आप उड़ गए। देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा फूंक मारेंगे तो ये जो है, ये सीड्स हैं। अब इन सीड्स को आप थोड़ा सा सुखा लें छाया में एक दो दिन, और उसके बाद धूप में नहीं सुखाना है, ओवर ड्राई नहीं करना है सीड्स को। बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई कर लेंगे तो फिर उनकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो या तो ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह सुबह की धूप हो, और या आप छाया में रख लें और एक दो दिन पड़ा रहने दें, अच्छी तरह सूख जाएंगे। उसके बाद इसमें, जैसे मैंने कहा, राख और वो या फंजीसाइड मिला के इसको किसी भी एयर टाइट डब्बी में रख लें या थैली में रख लें, तो ये आपके रह जाएंगे, और अगले साल इसी से आप पौधा उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये अलाइसम है, ये स्वीट अलाइसम भी कहते हैं ना, तो ये बहुत प्यारे
होते हैं मतलब ग्राउंड पे बेड बनाने के लिए, पूरा ग्राउंड कवर बहुत अच्छा होता है कंटेनर गार्डन में। ऐसे आप इसको आप ना हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे गमलों में ऐसे लगा के 9 इंच के में एक पूरी रो लगाइए नीचे आगे, उससे ऊपर बड़े प्लांट, उससे ऊपर और टॉल प्लांट्स, बहुत सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय। और मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है फन गार्डनिंग इंग्लिश, उसे भी देखिएगा। हालांकि आजकल मैं उसमें वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो उसे भी सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।